तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो मैं लेकर के आया हूं ये मैं ओप्पो रियलमी के ऊपर लेकर के आया हूं। आज जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूं, यदि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं ओप्पो ओप्पो रियलमी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास ओप्पो रियलमी का मोबाइल फ़ोन आता है तो ओप्पो रियलमी के मोबाइल फ़ोन में यदि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है, मोबाइल फ़ोन हैंग लोगों पे खड़ा हो जाता है, रीस्टार्ट होने लगता है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको लोगों को, हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट को फ्लैशिंग करने में बड़ा प्रॉब्लम आती है। वो ओप्पो रियलमी के मोबाइल फ़ोन को फ्लैश नहीं कर पाते। क्यों नहीं फ्लैश कर पाते? उसका सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि जितने भी ओप्पो रियलमी के मोबाइल फ़ोन आते हैं इसके अंदर जो फ्लैश फाइल यूज होती है ये OFP इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? OFP फाइल का एक्सटेंशन होता है, जिसके माध्यम से हम मोबाइल फोन में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, मोबाइल फोन के अंदर क्या करते हैं, फ्लैशिंग करते हैं। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर OFP जो फाइल होती है OFP फाइल को हम लोग क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं। जब OFP फाइल को फ्लैश करते हैं जितने भी मोबाइल फोन आएंगे, जैसे मान लिया तुम्हारे क्वालिकॉम की बात करते हैं तो क्वालिकॉम के अंदर जो हमारी फाइल होती है, तो जितने भी लोग जो होते हैं जब ये मोबाइल फोन को फ्लैश करते हैं तो ये OFP फाइल का हम लोग यूज करते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि बाकी जो अदर मोबाइल फोन आते हैं तो उनमें क्या होता है। जैसे मान लिया तुम्हारे पास कोई क्वालिकॉम कंपनी का मोबाइल फोन आया, यदि मान लिया तुम्हारे पास कोई क्वालिकॉम कंपनी का मोबाइल फोन आता है, अगर आप उस मोबाइल फोन के अंदर फ्लैश करते हैं तो फ्लैश करने के लिए आप रो जीरो और पैच जीरो ये फाइल एक्सटेंशन को यूज करते हैं। उसके बाद यदि तुम्हारे पास कोई मीडियाटेक का फोन आता है, मीडियाटेक सीपीयू का मोबाइल फोन आता है, तो मीडियाटेक सीपीयू के मोबाइल फोन को फ्लैश करने के लिए हम लोग MT.scatter फाइल का यूज करते हैं। उसके बाद यदि हमारे पास SPD मोबाइल फ़ोन आता है तो SPD मोबाइल फ़ोन के लिए .pack फाइल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? .pack फाइल का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्वालिकॉम कंपनी का फ़ोन होता है, मीडियाटेक कंपनी का मोबाइल फ़ोन होता है, SPD कंपनी का मोबाइल फ़ोन होता है, तो इसके लिए हम रॉ जीरो पैच जीरो फाइल का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग MT.scatter फाइल का यूज करते हैं, उसके बाद .pack फाइल का यूज करते हैं। तो ये जितने भी सारी फाइलें होती हैं सारी फाइलों को हम इनके अपने अलग अलग टूल्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यदि बात करते हैं ओप्पो रियलमी की, तो ओप्पो रियलमी के जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें OFP फाइल यूज होती है। कौन सी फाइल यूज होती है? OFP फाइल। अब हमको क्या होता है, इसके जो सारे टूल आते हैं जैसे MI फ्लैश टूल है या QFIL है या तुम्हारा SP फ्लैश टूल है या SPD अपग्रेडर है, अगर इनमें अगर OFP फाइल को जब आप लोड करेंगे तो आप लोड ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं लोड कर सकते? उसको उसका एक्सटेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे बड़े स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि सर हम इस मोबाइल फ़ोन को कैसे ठीक कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आज आपको वीडियो देने वाला हूँ कि ओप्पो रियलमी के मोबाइल फ़ोन को फ्लैशिंग करने के लिए जब आप इंटरनेट से फ्लैश फाइल को डाउनलोड करते हैं तो फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद इसका एक्सटेंशन आता है .OFP। चलिए हम लोग आगे चलते हैं वीडियो में। OFP फाइल होता है ये हमारे ओप्पो रियलमी के मोबाइल फोन में ही आता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, इस फाइल को फ्लैश करने के लिए दो तरह के सीपीयू में आता है, एक तो तुम्हारा क्वालिकॉम में भी आता है, दूसरा आपके पास मीडियाटेक में भी आता है। यदि मीडियाटेक के सीपीयू आते हैं तो उसमें भी फाइल लोड होती है, अगर क्वालिकॉम कंपनी का होता है तो उसमें भी फाइल लोड होती है। अब जैसे क्वालिकॉम कंपनी का मोबाइल फोन आता है तो जैसे अगर देखा जाए कि ओप्पो A37 इसके अंदर क्वालिकॉम सीपीयू लगा है। अब अगर कोई नया मॉडल की बात करते हैं, जैसे मीडियाटेक का बात करते हैं, तो मीडियाटेक की बात करें तो रियलमी C2, और अगर बात करते हैं कि A5S,
तो इस तरीके से जितने भी सारे मॉडल आते हैं इसके अंदर मीडियाटेक सीपी यूज होता है। तो जब मीडियाटेक सीपी यूज होता है या क्वालिकॉम सीपी यूज होता है तो उसमें जो फाइल हमारी है उसका एक्सटेंशन ओएफपी फाइल होगा। तो ओएफपी फाइल को लोड करने के लिए क्या है, अगर आप क्वालिकॉम मोबाइल फ़ोन है तो क्वालिकॉम मोबाइल फ़ोन में यदि फ्लैश करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, अगर आप क्यूसी फायर में जाएंगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बार फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको क्यूसी फायर में जाना पड़ेगा। जब आप क्यूसी फायर में चले जाएंगे तो क्यूसी फायर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फर्मवेयर इंस्ट्रक्टर। क्या ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, फर्मवेयर इंस्ट्रक्टर, फर्मवेयर इंस्ट्रक्टर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप फर्मवेयर इंस्ट्रक्टर में जाएंगे तो वहां पर आपको ओएफपी फाइल कन्वर्ट करने का ऑप्शन होगा। अब तुम्हारी जो ओएफपी फाइल होती है ये तुम्हारी रो जीरो और पैच जीरो में तुम्हारी कन्वर्ट हो जाती है। तो जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर ओएफपी फाइल जो होती है रॉ जीरो पैच जीरो में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद यदि मीडियाटेक सीपीयू का मोबाइल फोन आता है तो मीडियाटेक सीपीयू का मोबाइल फोन के अंदर क्या होता है, अभी आप देखेंगे मीडियाटेक ने एक हमारा नया सॉफ्टवेयर के लिए पोस्ट लॉन्च किया है मीडियाटेक 0.2। पहले इसका 0.1 आया था, अब 0.2 आ गया है। अब 0.2 के अंदर जब आप फ्लैशिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं या फ्लैश वाले ऑप्शन में जाते हैं तो फ्लैश वाले ऑप्शन के बाद आप यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर दो ऑप्शन मिलते हैं फ्लैश वाले ऑप्शन में, एक तो मिलता है एम्प्टी स्कैटर का, दूसरा ऑप्शन मिलता है ओएफपी फाइल लोड करने का। तो यहां पर ओएफपी फाइल को क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं। राइट करने का मतलब होता है फ्लैशिंग हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्लैशिंग हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग करने के लिए हम लोग ओएफपी फाइल को लोड करते हैं। ये क्वालिकॉम मीडियाटेक दोनों में अप्लाई होता है, लेकिन ये जो मैं आज आपको दोस्तों वीडियो देने वाला हूँ ये खास तौर पर मैं ओएफपी के ऊपर वीडियो देने वाला हूँ। दूसरी बात, मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ ये ओप्पो और रियलमी के लिए दे रहा हूँ। किसके लिए दे रहा हूँ, ओप्पो और रियलमी के लिए। तो चलिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कहां पर कैसे फाइल लोड होती है। मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से आपको समझाता हूं। ये हमारी स्क्रीन पे आ गए हम लोग। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये हमारा डोंगल है, इस डोंगल को हमको सिस्टम में लगाना पड़ेगा। जब इस डोंगल को सिस्टम में लगा देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फाइल को हम लोग गूगल से डाउनलोड करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल है कि नहीं है, इसके लिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लेता हूं। ईटेक सॉफ्टवेयर में गए और फिर हम लोग फाइल पे जाते हैं, फ्लैश फाइल पे गए। फ्लैश फाइल के बाद मेरे पास कोई ओप्पो रियलमी की फाइल नहीं पड़ी है। चलिए मैं आपको इसका एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो सबसे पहली बात, हमने डोंगल को सिस्टम पर लगा दिया। यदि हमारे पास क्वालिकॉम सीपीयू का मोबाइल फ़ोन आता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्यूसी फायर का यूज करेंगे। ये हमारा क्यूसी फायर का ऑप्शन आता है, क्यूसी फायर ऑप्शन को खोलेंगे। जो फ्लैश फाइल होती है वो गूगल से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे गूगल से डाउनलोड करेंगे कि रियलमी C2 फ्लैश फाइल, इस तरीके से फाइल को क्या करेंगे आप, डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर लिया। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऑप्शन आता है फर्मवेयर इंस्ट्रक्टर का। अगर आप देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके भी थोड़ा सा दिखाता हूं। ये ऑप्शन आता है फर्मवेयर इंस्ट्रक्टर,
यहाँ पर फर्मवेयर स्ट्रक्चर में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वालिकॉम मोबाइल फोन होते हैं जब उसके नॉर्मल फ्लैशिंग बजाते हैं तो उसके अंदर रॉ जीरो पै जीरो दो फाइलों को यहाँ पर जा करके हम लोग लोड कर देते हैं। लेकिन जो ओप्पो रियलमी के मोबाइल फ़ोन आते हैं या ओप्पो के मोबाइल फ़ोन आते हैं, जो पुराने मोबाइल फ़ोन आते हैं, उसके अंदर रॉ जीरो पै जीरो फाइल नहीं निकलती, तो वो हमको प्रॉब्लम आती है कि भाई इसको हम कैसे लोड करें। इसके लिए आप फर्मवेयर स्ट्रक्चर में जाएंगे, तो यहाँ पर फर्मवेयर स्ट्रक्चर का ऑप्शन आता है। देखिए जैसे आप फर्मवेयर स्ट्रक्चर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ, यहाँ पर ओएफपी फाइल के लिए ऑप्शन दिया होता है कि यहाँ पर ओएफपी फाइल को क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका माई कंप्यूटर खुल जाएगा, जहाँ पर तुम्हारी ओएफपी फाइल होगी उस फाइल को क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही फाइल को एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो करके वो ऑटोमेटिक फ्लैश में जा करके रॉ जीरो और पैच जीरो में तुम्हारी फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे रॉ जीरो पैच जीरो फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी तो बस फिर आप वहाँ पर जा करके नॉर्मल जैसे आप पहले के मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करते थे वैसे फ्लैश कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ये ओप्पो रियलमी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। अब चलते हैं, यदि हमारे पास कोई मीडियाटेक सीपीयू मोबाइल फ़ोन आता है उसके लिए कैसे करेंगे। ये आप ओपी फाइल को लिया, यहाँ पर सेलेक्ट किया, ये पूछेगा फाइल कहाँ पर रखी है, तो माई कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर तुमने फाइल को डाउनलोड करके रखा होगा उस फाइल को लोड कर देंगे। लोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो फाइल एक्सट्रैक्ट होकर के वहाँ पर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिख रहा ओपन ओ एफ पी फाइल डज नॉट एग्जिट, मतलब ओ एफ पी फाइल इसमें है नहीं, अगर होती तो उस फाइल को क्या कर देता, एक्सट्रैक्ट कर देता और रॉ जीरो पै जीरो में कन्वर्ट कर देता। तो ये तो मैंने आपको बताया क्वालिकॉम के बारे में। यदि आपके पास कोई मीडियाटेक सीपीयू का मोबाइल फ़ोन आता है तो मीडियाटेक सीपीयू को मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए आप मीडियाटेक टूल का इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे मीडियाटेक का टूल हमारे पास कहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग स्क्रीन पर सबसे पहले सर्च करेंगे, इसमें जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं सभी लोग इसमें प्रैक्टिकल करते रहते हैं, वो टूल को इधर उधर कर देते हैं क्योंकि सीखते हैं, बार बार फाइलों को फ्लैश करते हैं, उसको यूज करते हैं। ये देखिए ये पड़ा हुआ है, इसे ओपन करेंगे। ये मीडियाटेक का टू है, पहले वन आया था फिर टू आ गया है, हम लोग टू को ओपन करेंगे। जैसे टू को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन में ओपन होकर के आ जाएगा। जब आपके स्क्रीन में ओपन होकर के आ जाएगा तो फिर हम लोग उसको यूज करना सीखेंगे। देखिए तो यहाँ पर जब आ गए तो यहाँ देखिए फ्लैश का ऑप्शन आता है, फ्लैश का ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, आप देखेंगे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आते हैं, जैसे आप इसमें फ्लैश पर क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, एक तो पहला ऑप्शन आता है स्कैटर का, काय का आता है, दूसरा आता है ओएफपी का। अगर आप स्कैटर में लेंगे तो जो हमारी एम्प्टी डॉट स्कैटर फाइल होती है वो लोड होती है, अगर OFP लेंगे तो OFP फाइल लोड होती है। उसके बाद फाइल की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, डिटेल आने के बाद यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे, आपके मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हम मोबाइल फ़ोन को लिया, फ्लैश में क्लिक किया, फ्लैश में क्लिक करने के बाद OFP फाइल को हमने क्या किया, लोड किया। OFP फाइल को लोड करने के बाद फिर हमने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जैसे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी फाइल पड़ी है CPH 1701, इस फाइल को लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ओपन करेंगे। फाइल सिलेक्शन इनवैलिड, मतलब ये फाइल इसमें क्या कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही। फिर से हम लोग देखते हैं, ये फाइल कौन था, देखो क्या फोल्डर बना रखा है बच्चों ने, गुंडा नाम से फोल्डर बना रखा है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कहीं फोल्डर पड़ा हुआ है। चुंठा नाम को फोल्डर बना रखा है, ये पड़ा, देखो
ये फोल्डर पड़ा है, इसके अंदर ये हमारी फाइल पड़ी हुई है। तो बच्चे लोग इसमें प्रैक्टिकल करते रहते हैं, सब लोग मोबाइल फ़ोन को सॉफ्टवेयर रिपेयर करना सीखते हैं, तो ये फाइल वो लोग डाउनलोड करते रहते हैं। ये देखिए हमारी फाइल पड़ी है, CPS में ओपन करेंगे, इसके अंदर ये OFP फाइल है। देखिए फाइल का एक्सटेंशन आ रहा है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए OFP फाइल है। तो इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, लोड करेंगे। कैसे लोड करेंगे, क्लोज किया, इसके लिए इसको पहले हमको क्लोज करना पड़ेगा, QC फाइल खोलना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, हमारा QC फाइल ओपन हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर होता है, इस पर नेट पे भी डिपेंड करता है, सर्वर पे भी डिपेंड करता है, इसलिए थोड़ा सा ओपन होने में समय भी लगता है। हम लोग एक्सट्रैक्ट फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करेंगे, पूछेगा फाइल कहाँ रखी है, तो हम बता देंगे कि हमारे ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है, फाइल को ओपन करेंगे, ये OFC फाइल है, इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे फाइल को ओपन करेंगे, फाइल आपके क्या हो गई, यहाँ पर लोड हो गई। फाइल लोड होने के बाद आप क्या करेंगे, इस पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो फाइल तुम्हारी एक्सट्रैक्ट हो गई, फाइल खुल गई। अब फाइल खुलने के बाद, तो फाइल खुल गई तो फाइल गई कहाँ, फाइल खुलने के लिए आप फ्लैश में क्लिक करेंगे, कहाँ पर क्लिक करेंगे, फ्लैश में क्लिक करेंगे। फ्लैश पर क्लिक करते ही देखिए इसने फाइल को क्या किया, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। फाइल को ओपन होने के बाद इसने इस फाइल को क्या किया, रॉ जीरो और पैच, इसने रॉ पैच में फाइल को क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसने फाइल को क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट शेयर कर दिया, फाइल को ओपन कर दिया। फाइल ओपन होने के बाद ये फाइल हमारी रॉ जीरो पैच जीरो में फाइल हमारी क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। क्या लिख गया, एक्सट्रैक्ट OFP फर्मवेयर। अब यह फाइल को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हमने फाइल को एक्सट्रैक्ट करना सीखा कि फाइल को हमने कैसे खोला है, फाइल को कैसे खोलेंगे, ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने बात किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, मोबाइल फोन के अंदर फाइल को कैसे लोड करेंगे, फाइल को लोड करने के बाद फाइल को कैसे फ्लैश करेंगे, ये तरीका मैंने आज बताया। ये किसका बताया, मैंने OFP फाइल का सोल्यूशन बताया। किसका बताया दोस्तों, OFP फाइल जो आती है, OFP फाइल का जो हमने सोल्यूशन आपको बताया हुआ है। अब उसके बाद ये क्वालिकॉम मोबाइल फोन के लिए, किसके लिए दोस्तों, क्वालिकॉम मोबाइल फोन के लिए है। यहाँ पर रॉ जीरो है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जैसे एक्सट्रैक्टेड फाइल में चले जाएंगे तो इसके अंदर रॉ जीरो फाइल आपको मिल जाएगी, आपको पैच जीरो में जाएंगे तो पैच की फाइल मिल जाएगी। ये कौन सी फाइल मिल गई, ये वही फाइल मिल गई जो तुमने एक्सट्रैक्ट किया था, वो ऑटोमेटिक आप वो एक्सट्रैक्ट फोल्डर में आपको मिल जाएगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको फ्लैश करने का तरीका बताया कि हमारे पास क्वालिकॉम का मोबाइल फ़ोन आएगा या रियलमी का मोबाइल फ़ोन आएगा, क्वालिकॉम CPU लगा तो उसको कैसे फ्लैश करेंगे। यदि हमारे पास MediaTek मोबाइल फ़ोन आता है तो MediaTek को फ्लैश करने के लिए हम लोग MediaTek ओपन करते हैं, और MediaTek ओपन करने के लिए फिर फाइल भी हमको भाई MediaTek की फाइल होनी चाहिए। ये क्वालिकॉम की फाइल थी, वो क्वालिकॉम की फाइल को जब हम लोग MediaTek में लोड कर रहे थे तो लोड करने पर वो इनवैलिड फॉर्मेट बता रहा था। तो इनवैलिड फॉर्मेट का मतलब होता है वो इस फॉर्मेट की नहीं है, तो वो इस फॉर्मेट की नहीं है तो कहाँ की है, तो क्वालिकॉम की थी। तो मैंने क्वालिकॉम में भी आपको लोड करके दिखाया, वो आसानी से लोड भी गई, एक्सट्रैक्ट भी हो गई, फाइल आ भी गई। यहाँ पर जाएंगे OFP को ले लेंगे, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फाइल होगी उस फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर पूरी डिटेल्स आ जाएगी, डिटेल्स आने के बाद राइट फ्लैश पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप राइट फ्लैश पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो बताया है ये OFP फाइल का पूरा सोल्यूशन बताया है, जो ओप्पो रियलमी के मोबाइल फ़ोन को कैसे फ्लैश करेंगे इसका तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख रहे हैं, और आपको वीडियो में कैसा लग रहा है, आपको जो हम चीज़ें आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सॉफ्टवेयर संबंधित इन सब चीज़ों के बारे में जो हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी करके, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं और बिल्कुल डीपली आपको समझा रहे हैं, ताकि आप मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को आसानी से रिपेयर कर पाएँ और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए
थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो नीचे हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और कॉन्टैक्ट करें। Yeah.